नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीरों की भूमि राजस्थान से आप सभी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कॉलेज व्याख्याता की तैयारी भी बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चल रही है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कॉलेज व्याख्याता परीक्षा तिथि को लेकर। आप सब लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो रहे थे, क्या राजस्थान में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन लोकसभा चुनाव का कॉलेज व्याख्याता परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सर परीक्षा तिथि में फेरबदल होगा, इस तरह के जो तमाम सवाल है वो स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे हैं। और रही बात, अधिकांश लोग तो ऐसे हैं, अधिकांश स्टूडेंट ऐसे, उनको ये भी नहीं पता है कि राजस्थान में कि लोकसभा के चुनाव है वो अप्रैल में हो रहे हैं या मई में हो रहे हैं। क्योंकि अधिकांश लोग यही मान रहे हैं कि मई में एग्जाम होंगे, इसकी वजह से कॉलेज व्याख्याता परीक्षा तिथि में बदलाव होगा। दोस्तों, मैं आपके डाउट क्लियर कर सकता हूँ कि राजस्थान में जो 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव है वो पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने वाला है और दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होने वाला है। कुल मिला के 25 लोकसभा जो क्षेत्रों में जो चुनाव है वो दोस्तों 26 अप्रैल को पूरे हो जाएंगे। अब रही बात, तो सर 26 अप्रैल को तो चुनाव पूरे हो जाएंगे, तो सर क्या जो 15 मई के बाद यानी कि 16 मई को हमारे जो एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, उसके बाद में हिस्ट्री का है, उसके बाद में ज्योग्राफी का है, उसके बाद में सारे हमारे एग्जाम कंटिन्यू चलने वाले, क्या सर ये सारे एग्जाम जो 16, 17, 18, 19, 20 से हमारे जो एग्जाम शुरू हो रहे, क्या सर ये एग्जाम जो 4 जून को हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा लोकसभा चुनाव का, क्या सर इसके बाद में होंगे या फिर सर जो तिथि है इसी तिथि को होगी? तो दोस्तों, एक बात मैं आपके क्लियर कर सकता हूँ कि RPSC ने, कि राजस्थान लोकसेवा आयोग अजमेर ने साफ साफ शब्द में प्रेस नोट जारी करके बता दिया है कि कॉलेज व्याख्याता के जितने भी पेपर है, जितने भी पेपर जो 16 मई से शुरू हो रहे हैं, ये सारे पेपर यथावत समय पर होंगे। क्योंकि दोस्तों, वापस जून जुलाई में आपके जो RS मेंस, जो भी लोकसेवा आयोग है जो कंडक्ट करवाता है राजस्थान लोकसेवा आयोग, वो RS मेंस के एग्जाम होने हैं। अगर इस कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा तिथि में अगर बदलाव करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि RS मेंस का एग्जाम आगे किसका ना पड़ेगा। वापस जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं और अगस्त में भी 5 से एग्जाम है, सितंबर में भी एग्जाम होने वाले हैं, अक्टूबर में, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से दोस्तों सारे एग्जाम होने वाले हैं। चाहे बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसके द्वारा जो विभिन्न जो प्रकार के जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन अगर कॉलेज व्याख्याता परीक्षा की तिथि में अगर फेरबदल कर देते हैं तो सारे एग्जाम आगे किसका आने पड़ेंगे, क्योंकि वापस सर्दी आ जाएगी, भाई सर्दी में एग्जाम बहुत कम होंगे। उसके बाद में दोस्तों फरवरी में तो अगर उनसे आगे किसका देंगे, क्योंकि अगर अभी डेट बदल देते हैं तो समझ लो कि मार्च अप्रैल से पहले कोई एग्जाम ही नहीं होने वाले। तो RPSC ने जो भी निर्णय लिया है वो सोच समझ के लिया है, आपके एग्जाम 16 मई को ही होंगे। 16 मई से आपके जिसका 16 मई को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो दूसरे बता दूं कि आपका 9 मई का आपको एग्जाम सेंटर जारी हो जाएगा और 13 या 12 मई को आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। तो आपको किसी भी तरह के बहकाव में नहीं आना है, आपकी परीक्षा यथावत समय पर होगी। RPSC राजस्थान लोक सेवा कभी नहीं चाहता है कि इस एक एग्जाम कॉलेज व्याख्याता की वजह से RPSC का और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इन दोनों की परीक्षा कैलेंडर में किसी भी तरह का कोई भिड़ाव नहीं हो, किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो जिसकी वजह से स्टूडेंट की पढ़ाई बाधित हो। इसलिए आप सब लोग किसी भी तरह के बहकाव में नहीं आना है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले स्टूडेंट को भड़काने का प्रयास करें कि राजस्थान में तो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और आप सब लोग पागलों का तैयारी कर रहे हो, एग्जाम तो सारे सितंबर अक्टूबर में होंगे, इसलिए ऐसा करो कि आप हमारा कोर्स ले लीजिए, आप हमारे टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारा नोट्स पढ़ लीजिए। लेकिन उन बेवकूफों को कौन समझाए कि आप अपनी खुद की लालच के लिए, खुद के फायदे, खुद के बेनिफिट के लिए स्टूडेंट को गुमराह तो मत करो। वैसे दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जो राजस्थान में जो 7 जनवरी को कॉलेज व्याख्याता का जो थर्ड पेपर हुआ था, इस थर्ड पेपर 7 जनवरी को हुआ था, लेकिन एडमिट कार्ड आ गया उसके बाद भी लोग बता रहे थे कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, एग्जाम आगे बढ़ेगा, एग्जाम होगा नहीं, इस तरह के स्टूडेंट है जो सवाल करते हैं। लेकिन मैं डटा रहा, मैंने बोला कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना एग्जाम वो 7 जनवरी को कंडक्ट करवाएगा और 7 जनवरी को ही हुआ। और अभी बता दूं कि जो आपका कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम है वो 16 मई से आपका रेगुलर होने वाला है, इसकी परीक्षा तिथि में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं होगा। अगर आपको प्रेस नोट चाहिए तो आप मेरे DA के नंबर पर आप बिल्कुल मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। रही बात
सर मेरा अभी तक नेट क्लियर नहीं है। क्या सर मेरा नेट अभी तक क्लियर नहीं है तो सर क्या मैं इस एग्जाम में बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बैठ सकता है। एक और शर्त कि अगर आप जून वाला एग्जाम देते हो और इस एग्जाम में आप क्लियर हो सकते हो, आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है। और मैं एक बार और बात बता देता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है एग्जाम के बाद में आपके लगभग 2 महीने आपको टाइम मिल जाएगा, यानी कि समझ लो कि अगस्त या सितंबर में या फिर अक्टूबर नवंबर में आरपीसी जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगी तब तक आपकी नेट क्लियर हो जाएगी। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो सर नेट हमें कब तक चाहिए? एक बार बता दूं कि अगर आपका 16 अक्टूबर को अगर आपका इंटरव्यू आपके करवाया जा रहा है, सभी की जो अलग अलग विषयों के अलग अलग इंटरव्यू होंगे, अगर आपका 16 अक्टूबर को अगर किसी कैंडिडेट का अगर इंटरव्यू हो रहा है तो 16 अक्टूबर को हो रहा है तो 15 अक्टूबर तक आपके पास दोस्तों नेट की डिग्री होनी चाहिए। आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा था कि क्या सर जो राजस्थान सामान्य अध्ययन का हमारा जो पेपर हुआ था क्या सर उनका रिजल्ट अलग आएगा? उनका रिजल्ट अलग नहीं आएगा। तो रिजल्ट कैसे बनेगा? रिजल्ट अगर आपकी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर और पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर है, उसके बाद में दोस्तों राजस्थान सामान्य अध्ययन का जो पेपर थर्ड हुआ था, इन तीन पेपरों को मिला के दोस्तों आपकी एक बार स्टार्टिंग की प्रोविजन लिस्ट निकलने वाले। तो सर हमारी मेरिट कैसे बनेगी? दोस्तों आपकी मेरिट है वो दो आपके सब्जेक्ट के पेपर और एक राजस्थान का कॉमन का थर्ड पेपर, उसके बाद में दोस्तों आपके जो इंटरव्यू होने वाला इंटरव्यू आरपीसी कंडक्ट करवाएगी और इस इंटरव्यू आपका सब्जेक्ट पेपर और राजस्थान का थर्ड पेपर, इन सभी को मिला के दोस्तों आपकी जो मेरिट है जो बनने वाली है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो सर क्या हमारे इस एग्जाम में 40% नंबर लाना अनिवार्य था? सर मेरे तो छठ पेपर में तो सर कुछ नंबर ही नहीं बन रहे हैं, सर मेरे 40% नंबर नहीं बन रहे, क्या सर मैं इस एग्जाम में बाहर हो जाऊंगा? एग्जाम से बाहर नहीं होने वाले हो, आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं आप सेफ स्कोर में। अगर आपको लग रहा है कि मैं राजस्थान वाला पेपर बिगड़ गया है लेकिन मैं मेरे सब्जेक्ट पेपर में अच्छी मजबूती पकड़े, अगर आपको लग रहा है कि मेरा सब्जेक्ट का पेपर अच्छा है तो बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हो, आप सिलेक्शन की रेस में रहोगे। एक राजस्थान जीके वाला आपको कभी सिलेक्शन की रेस से बाहर नहीं करने वाला है। अगर आपके सब्जेक्ट में पेपर सब्जेक्ट के अंदर पकड़ मजबूत है तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस कॉलेज का कहता एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो। और भी बहुत तरह के जो तमाम अपडेट्स है दोस्तों मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक और बात बता दूं कि 16 मई को पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका है वो आपका होगा, 17 को हिस्ट्री का है, 18 को ज्योग्राफी का है, उसके बाद में दोस्तों कंटिन्यू आपके दोस्तों एग्जाम होने वाले, वो सारे एग्जाम तय समय पर होगा, चाहे वो मई में हो रहे उसके बाद में जून तक एक भी एग्जाम की परीक्षा तिथि में आपका बदल नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में सब 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को आपके एग्जाम पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में आरपीएससी के पास कोई काम ही नहीं बचेगा भाई, आपका एग्जाम ही करवाना है। अगर बीच में तो दोस्तों 31 मार्च से लेकर दोस्तों जो 15 मई तक जो बीच में गैप लिया है वो लोकसभा चुनाव की वजह से ही लिया है, तो आप इतना उल्टा दिमाग क्यों लगा रहे हो सर? एग्जाम तिथि में फिर बदल होगा, कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, एग्जाम सारे यथावश्य समय पर होंगे। मैं समझ चाहता हूँ कि मैंने आपका दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा लंबा किया क्योंकि एक जानकारी आपको बताने मेरे लिए जरूर था, और इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान, थैंक यू।